हेलो एवरीवन, आज हम लॉगरिथम से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियसली 2019 में आई एम इंदौर के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछा गया है। इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट एक्स रेज टू द पावर 12 इज इक्वल टू वाई रेज टू द पावर 16 इज इक्वल टू जेड रेज टू द पावर 24 एंड द थ्री क्वांटिटीज 3 log of x to the base y, 4 times log of y to the base z, and n times log of z to the base x are in arithmetic progression, then the value of n is... ये question एक moderate to tough level का question है। इस question को solve करने के लिए 3 अलग-अलग concepts involve हो रहे हैं। Indices से related rules यहाँ पे हमें शामिल करने होंगे, logarithmic से related rules हमें मालूम होने चाहिए, और साथ में sequences and series से जुड़े हुए rules भी हमें मालूम होने चाहिए। एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स है। एक्स रेस टू द पावर 12, वाई रेस टू द पावर 16 और जेड रेस टू द पावर 24 आपस में इक्वल है। साथ में ये गिवन है कि ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं। हमें एन की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, इसे इक्वल कर लेते हैं लेट अस से के के। अब हम एक्स वाई और जेड को के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू हो जाएगी के रेस टू द पावर 1/12। जब भी इस तरह से पावर लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो ये अपनी पोजीशन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर पे और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे चेंज कर लेती है। व्हाट अबाउट y? ये हो जाएगा k रेज टू द पावर 1/16 और ऐसे ही z की वैल्यू हो जाएगी k रेज टू द पावर 1/24। ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब तीन टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो मिडिल टर्म को अगर हम डबल कर दें तो जो वैल्यू आएगी वो बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस आपस में इक्वल होता है। तो यहां पर हम ये कहेंगे दैट 2 टाइम्स 4 log y टू द बेस z इज इक्वल टू 3 टाइम log x टू द बेस y प्लस n इनटू log z टू द बेस x। यहां पर हम एक काम और कर सकते हैं, ये जो 4 एंड 2 है इसे हम चाहे तो यहाँ पावर में ले जा सकते हैं या फिर यहाँ कोई भी नंबर जो आए उसे हम यहाँ बाहर ला सकते हैं। लॉ का एक और प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम y और z की वैल्यूज यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, x और y की सब्सटीट्यूट कर देते हैं और z और x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो वी विल गेट 8 इनटू log ऑफ y की जगह हम लिखेंगे k रेज टू द पावर 1/16 और z की जगह हम लिखेंगे k रेज टू द पावर 1/24। 3 टाइम्स log of x की वैल्यू हो गई है k raised to the power 1/12, y की वैल्यू k raised to the power 1/16 plus n times log of k raised to the power 1/24 and k raised to the power 1/12। log की एक प्रॉपर्टी है that log of a raised to the power suppose m हो और यहाँ बेस में b हो और इसकी पावर में n हो, तो जो नंबर है उसकी पावर न्यूमरेटर पे आ जाती है और बेस की पावर डिनोमिनेटर पे आ जाती है, एंड ये हमारे पास में एक्सप्रेशन बचता है। तो यहां पर अगर हम सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो 8 इंटू 1/16 डिवाइडेड बाई 1/24 इंटू लॉग ऑफ के टू द बेस की 3 इंटू 1/12 डिवाइडेड बाई 1/16 इंटू लॉग ऑफ के टू द बेस के प्लस एन इंटू 1/24 डिवाइडेड बाय 1/12 इंटू लॉग ऑफ के टू द बेस के। लॉग ऑफ के टू द बेस के ये 1 हो जाएगा, तो ये यहां से हम हटा सकते हैं, तीनों वैल्यूज की वैल्यू 1 हो जाएगी यहां पर। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 16 नीचे आ जाएगा 24 ऊपर, तो वी कैन से 8 इंटू 24/16 is equal to 3 into 16 over 12 plus n into 12 over 24. 8 goes into 16 2 times, 2 goes into 24 12 times, so we will get 12 here. 3 goes into 12 4 times, 4 goes into 16 4 times, 4 plus 12 goes into 24 2 times, n over 2. Further solve karte hain, 12 minus 4, 8 is equal to n over 2, या n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 16। थोड़ा सा अगर आप कैलकुलेशन स्पीड अपनी फास्ट कर सकें तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं।